दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं एक जबरदस्त कंटेंट और एक हट के एक तरह से कॉन्टेंट के बारे में बात कर रहा हूँ जिसका टाइटल है मैं आपको बताऊँ तो एक तरह से नयात जी हाँ दोस्तों ये एक एक तरह से मैं आपको बता दूं मुख्य रूप से ये एक स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है जिसके अंदर हमें एक तरह से आपने इसका पोस्टर देख लिया होगा बाकी नहीं देखा हो तो मैं आपके सामने शो कर देता हूँ इससे ही आपको पता चल जाएगा कि ये स्विंग से रिलेटेड है और एक हट के कॉन्टेंट हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिला है तो आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं इसके रिलीजिंग डेट के बारे में मैंने आपको बताया दिया आपको पता भी होगा तीन नवंबर को ये हमें देखने को मिल रही है तो इसी के बारे में सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा इसकी फैक्ट डिटेल अपडेट कौन कौन से कैरेक्टर देखने को मिले उनके बारे में सारी कुछ जानकारी देने वाला हो तो वीडियो को करते साथ आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब दोस्तों इसके बारे में बेसिक डिटेल से जानना चालू करते हैं न्याद एक दो अमेरिकी जीवनी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है जो एलिजाबेथ चाई वासारेली और जिमी चिन द्वारा निर्देशित और जूलिया कॉक्स द्वारा लिखित है इसमें एनेट बेनिंग ने तैराक डायना न्याद की भूमिका निभाई है दो जोड़ी फोस्टर और राइस इफांस के साथ हैं यह फिल्म वासरहेली और चिन की कथात्मक फीचर निर्देशन वाली पहली फिल्म है और यह न्याद की आत्मकथा फाइंड ए वे पर आधारित है तीन, इसका वर्ल्ड प्रीमियर 1 सितंबर 2023 को 50वें टेलराइड फिल्म फेस्टिवल में हुआ था इसे 3 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग से पहले 20 अक्टूबर 2023 को चुनिंदा सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था कास्ट करें डायना न्याद के रूप में एनेक बेनिंग चार बोनी स्टोल के रूप में जोड़ी फोस्टर पांच जॉन बार्टलेट के रूप में राइस इफांस छह दी ब्रैडी के रूप में कार्ली रोथेनबर्ग एंजेल यानागिहारा के रूप में जीनाई ल्यूक ल्यूक्रोव ल्यूक टिप्पल के रूप में जैक नेल्सन के रूप में एरिक टी मिलर जॉन रोज के रूप में गारलैंड स्कॉट उत्पादन जनवरी 2022 में यह घोषणा की गई कि नेटफ्लिक्स फिल्म का वितरण करेगा सात मार्च 2022 में यह घोषणा की गई कि उत्पादन चल रहा था रिलीज इसका विश्व प्रीमियर 1 सितंबर 2023 को 50वें टेलराइड फिल्म फेस्टिवल में हुआ था 8 9 इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर 12 सितंबर को 48वें टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ था 10 11 इसे 3 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग से पहले 20 अक्टूबर 2023 को चुनिंदा सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था बारह स्वागत समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर पचानवे आलोचकों में से छियासी परसेंट समीक्षाएं सकारात्मक हैं जिनकी औसत रेटिंग सात बटा दस है वेबसाइट की सर्वसम्मति में लिखा है न्याद अपनी कहानी की खूबियों के आधार पर एक उत्थानशील खेल बायोपिक है लेकिन यह एनेट बेनिंग और जोड़ी फोस्टर का उत्कृष्ट प्रदर्शन है जो वास्तव में इस तस्वीर को बरकरार रखता है तेरह मेटाक्रिटिक जो एक भारित औसत का उपयोग करता है ने तीस आलोचकों के आधार पर फिल्म को एक सौ में से पैंसठ का स्कोर दिया जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है चौदह संदर्भ निर्देशक एलिजाबेथ चाय वासर हेली, जिमी चिन, पटकथा की है जूलिया कॉक्स पर आधारित दायना न्याद द्वारा एक रास्ता खोजें द्वारा उत्पादित एंड्रयू लजार टेडी जमैन अभिनीत एनेट बेनिंग जोडी फोस्टर राइस इफांस छायांकन क्लाउडियो मिरांडा द्वारा संपादित क्रिस्टोफर टेलेफसे संगीत दिया है अलेक्जेंड्रे डेसप्लेट। उत्पादन कंपनियां। काले भालू के चित्र मैड प्रोडक्शंस द्वारा वितरित नेटफ्लिक्स रिलीज करने की तिथि 1 सितंबर 2023 हजार तेईस तेलुराइड बीस 20 अक्टूबर 2023 संयुक्त राज्य अमेरिका कार्यकारी समय 120 मिनट एक देश संयुक्त राज्य अमेरिका एलिजाबेथ चाय वासरहेली बटावी एस आर एल आई बटावीए एच एस आर ई एल ई एक जन्म 1977 या 1978 दो एक अमेरिकी वृत्तचित्र फिल्म निर्माता हैं वह अपने पति जिमी चिन के साथ फ़िल्म फ्री सोलो की निर्देशक थीं, जिसने सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फ़ीचर के लिए 2019 अकादमी पुरस्कार जीता था फिल्म में एलेक्स होनोल्ड और जून 2017 में एल कैपिटन की उनकी मुफ्त एकल चढ़ाई का वर्णन किया गया है प्रारंभिक जीवन और शिक्षा वासरहेली न्यूयॉर्क शहर में पली बढ़ी और एक कॉलेज प्रशासक मरीना वासरहेली और एक कॉलेज प्रोफेसर मिक्लोस वासरहेली की बेटी हैं दो उनके पिता हंगरी में जन्मे ब्राज़ीलियाई हैं और उनकी मां हांगकांग से हैं तीन वासरहेली द ब्रियरली स्कूल से स्नातक हैं उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से तुलनात्मक साहित्य में बीए किया है कैरियर वासरहेली ने 2004 में फिल्म क्लोजर में निर्देशक माइक निकोल्स के सहायक के रूप में काम किया और एमी पुरस्कार विजेता सिनेमेटोग्राफर स्कॉट डंकन के साथ डकार रैली जैसे कार्यक्रमों का दस्तावेजीकरण करते हुए बड़े पैमाने पर काम किया है उनकी पहली फ़िल्म ए नॉर्मल लाइफ ने 2003 में ट्रिबेका फ़िल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र का पुरस्कार जीता उनकी दूसरी फिल्म यूसु और आई ब्रिंग वाट आई लव संयुक्त राज्य अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी फिल्म का प्रीमियर टेलुराइड और टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में हुआ और 2008 में मध्य पूर्व अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में विशेष जूरी पुरस्कार और 2009 इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री एसोसिएशन अवार्ड्स में पारे लोरेंस पुरस्कार के लिए नामांकन सहित कई पुरस्कार जीते 2013 में वासर में वासरहेली ने टूबा सेनेगल में वार्षिक मोराइड तीर्थयात्रा ग्रैंड मैगल पर एक वृत्तचित्र टूबा को पूरा किया इसका प्रीमियर एस एक्स एस डब्ल्यू तेरह में हुआ जहां इसने सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी के लिए विशेष जूरी पुरस्कार जीता वह 2012 के राष्ट्रपति चुनावों का दस्तावेजीकरण करने के लिए सेनेगल लौट आईं। सेनेगल के लोकतंत्र की कहानी इनकरप्टिबल पूर्व में एन अफ्रीकन स्प्रिंग ने 2015 में इंडिपेंडेंट स्पिरिट ट्रूअर थान फिक्शन अवार्ड जीता 2015 में इंडिवायर के ब्रैंडन विल्सन ने लिखा कि वासरहेली की परिचितता देश लाभांश का भुगतान करता है और इस टुकड़े को अफ्रीकी महाद्वीप पर नागरिक शिथिलता की एक और कहानी से ऊपर उठाता है चार निर्देशक के रूप में वासरहेली की फिल्मों में 2015 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली स्वतंत्र डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेरू ऑस्कर शॉर्टलिस्ट 2016 हज़ार संडास अवॉर्ड अवार्ड 2015 शामिल है वैरायटी पत्रिका ने कहा जिमी चिन और चाय वासरहेली की संडास ऑडियंस अवार्ड विजेता हाल के वर्षों में अपनी तरह की सर्वश्रेष्ठ खेल वृत्तचित्रों में से एक है पांच वासरहेली और चिन की 2018 फिल्म फ्री सोलो ने पीपुल्स ट्वाइस अवार्ड जीता 2018 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में वृत्तचित्र छह फिल्म को एक दिलचस्प वृत्तचित्र और मानवीय प्रयास की गहन कहानी के रूप में आलोचकों की प्रशंसा मिली है साथ न्यूयॉर्क टाइम्स के जेनेट कैट्सोलिस ने फ्री सोलो को जुनून और व्यक्तित्व के बीच एक आदर्श मेल का एक आकर्षक अध्ययन कहा आठ वासरहेली और चिन ने अपने न्यूयॉर्क टाइम्स ओपिनियन लेख में चढ़ाई को फिल्माने पर चर्चा करते हुए कहा पूरे इतिहास में वृत्तचित्रकारों को अपने विषयों के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी की धुंधली रेखाओं के साथ संघर्ष करना पड़ा है हम इस संभावना से परेशान थे कि हमारी उपस्थिति उसे रोक सकती है हर बार जब हम कैमरे चालू करते हैं तो जोखिम अधिक होता है नौ वासरहेली ने न्यूयॉर्क टाइम्स डॉक नेटफ्लिक्स की नॉन फिक्शन डिजाइन श्रृंखला एब्सट्रैक्ट के लिए एक एपिसोड और ईएसपीएन की नॉन फिक्शन श्रृंखला फ्यूचर ऑफ स्पोर्ट्स के लिए दो एपिसोड का निर्देशन किया है फ्री सोलो ने सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर के लिए 2019 अकादमी पुरस्कार जीता वासरहेली को संडांस इंस्टीट्यूट फोर्ड फाउंडेशन रॉकफेलर ब्रदर्स फंड बर्था ब्रिटडॉक विलियम एंड मैरी ग्रेव फाउंडेशन और नेशनल एंडोमेंट ऑफ द आर्ट्स से अनुदान प्राप्त हुआ है उन्हें 2013 के संडांस डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म फ़ेलो के रूप में चुना गया था उन्हें 2005 में फिल्म निर्माता पत्रिका की स्वतंत्र फिल्म के 25 नए चेहरों में से एक नामित किया गया था चार और 2008 में क्रिएटिव विजन फाउंडेशन से एक उपलब्धि पुरस्कार प्राप्त किया था व्यक्तिगत जीवन वासरहेली ने 26 मई 2013 को नेशनल जियोग्राफिक के फोटोग्राफर और पेशेवर स्कीयर और पर्वतारोही जिमी चिन से शादी की दो उनके दो बच्चे हैं वासरहेली की मुलाकात चीन से 2012 में लेक में में एक सम्मेलन में हुई थी दस पुरस्कार 2003 हजार ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में सामान्य जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र फीचर 2008 हजार आठ यूसु एंडोर आई ब्रिंग वाट आई लव के लिए मध्य पूर्व अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव विशेष जूरी पुरस्कार 2008 हजार आठ यूसु एंडोर के लिए इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री एसोसिएशन पारे लोरेंस अवार्ड नामांकित आई ब्रिंग वाट आई लव 2008 हजार आठ यूसु एंडोर आई ब्रिंग वाट आई लव के लिए बहामास इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑडियंस अवार्ड 2008 हजार आठ यूसु एंडोर आई ब्रिंग वाट आई लव के लिए बहामास इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल स्पिरिट ऑफ फ्रीडम अवार्ड 2008 हजार एंड और आई ब्रिंग वहाट आई लव के लिए डीसी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑडियंस अवार्ड 2008 हज़ार एंड और आई ब्रिंग वहाट आई लव के लिए साओ पावलो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑडियंस अवार्ड 2008 हज़ार आठ यूसु एंडॉर के लिए नेशविले फिल्म फेस्टिवल म्यूजिक ऑफ इम्पैक्ट अवॉर्ड आई ब्रिंग वहाट आई लव यूसु एंडोर के लिए टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की विशेष प्रस्तुति मैं वही लाता हूं जो मुझे पसंद है 2013 तौबा तोबा के लिए सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी के लिए एस डब्ल्यू स्पेशल जूरी पुरस्कार 2015 इनकॉरप्टिबल के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट प्रूअर दैन फिक्शन पुरस्कार विजेता 2015 इनकरप्टिबल के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर डॉक्यूमेंट्री के लिए बुडस्टॉक फिल्म फेस्टिवल मेवरिक पुरस्कार 2015 हजार के लिए वन वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल वैकलाव हैवे जूरी अवॉर्ड 2015 मेरू के लिए सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र फीचर के लिए ऑस्कर शॉर्टलिस्ट। 2015 मेरू के लिए संडास ऑडियंस अवार्ड विजेता 2015 मेरू के लिए सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवॉर्ड नामांकन 2015 मेरू के लिए वृत्तचित्र में उत्कृष्ट निर्देशन उपलब्धि के लिए डीजीए पुरस्कार नामांकन 2015 मेरू के लिए डॉक्यूमेंट्री थिएट्रिकल मोशन पिक्चर्स के उत्कृष्ट निर्माता के लिए पीजीए पुरस्कार नामांकन 2015 मेरु मेरू के लिए सिनेमा आई ऑनर्स ऑडियंस चॉइस पुरस्कार विजेता 2015 मेरु मेरू के लिए सिनेमेटोग्राफी में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए सिनेमा आई ऑनर्स पुरस्कार विजेता 2015 मेरु मेरू के लिए प्रोडक्शन में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए सिनेमा आई ऑनर्स अवॉर्ड नामांकन 2015 मेरू के लिए मूल संगीत स्कोर में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए सिनेमा आई ऑनर्स अवार्ड नामांकन 2015 द न्यूयॉर्क टाइम्स मेरू के लिए आलोचकों की पसंद 2016 मेरू के लिए ऑस्कर की शॉर्ट लिस्ट टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्ट में फ्री सोलो के लिए पीपल्स चॉइस डॉक्यूमेंट्री अवार्ड ग्यारह 2018 मिल वैली फिल्म फेस्टिवल वैली ऑफ द डॉक्स पीपुल्स च्वाइस अवार्ड्स 2018 वर्जीनिया फिल्म फेस्टिवल डॉक्यूमेंट्री फीचर ऑडियंस अवार्ड 2018 फ्री सोलो के लिए सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए क्रिटिक्स च्वाइस अवार्ड बारह 2018 फ्री सोलो के लिए सर्वश्रेष्ठ खेल वृत्तचित्र के लिए क्रिटिक्स च्वाइस अवार्ड बारह 2019 फ्री सोलो के लिए सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए बाफ्टा पुरस्कार 2019 फ्री सोलो के लिए सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर का अकादमी पुरस्कार 2019 हज़ार उन्नीस डॉक्यूमेंट्री बटा नॉन फिक्शन प्रोग्राम के लिए उत्कृष्ट निर्देशन के लिए एमी पुरस्कार 2019 फ्री सोलो के लिए 2019 हजार उन्नीस एक अनस्क्रिप्टेड प्रोग्राम के भीतर इंटरेक्टिव मीडिया में उत्कृष्ट रचनात्मक उपलब्धि के लिए एमी 2019 फ्री सोलो के लिए फिल्मोग्राफी 2003 एक सामान्य जीवन 2008 हजार आठ यूसु एंडोर मैं वही लाता हूं जो मुझे पसंद है 2013 हजार तेरह तोबा दो अविनाशी 2015 मेरु, 2017 सार डिजाइन की कला टीवी श्रृंखला वृत्तचित्र, 2018 फ्री सोलो 2018 उन्नत टीवी श्रृंखला वृत्तचित्र 2021 बचा 2022 अंतरिक्ष में वापसी 2022 जिमी चिन के साथ एज ऑफ द अननोन 2023 एंजेल सिटी टीवी श्रृंखला वृत्तचित्र 2023 वन्य जीवन दो हजार तेईस न्याद एंड्रयू लजार जन्म उन्नीस सौ छियासठ एक अमेरिकी फिल्म निर्माता और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी टिश स्कूल ऑफ आर्ट्स के स्नातक हैं वह मैड चांस प्रोडक्शंस से जुड़े हैं एक प्रोडक्शन कंपनी जिसे उन्होंने उन्नीस सौ सत्तानवे में बनाया था और वार्नर ब्रदर्स से संबद्ध है लेकिन उनके पास अन्य स्टूडियो के साथ भी परियोजनाएं शामिल हैं एक लजार यहूदी वंश का है एडवर्ड फ्रैंक टेडी श्वार्जमैन जन्म 29 मई उन्नीस एक अमेरिकी फिल्म निर्माता और पूर्व कॉरपोरेट वकील हैं वह ब्लैक बियर पिक्चर्स के संस्थापक अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी हैं जिनके निर्माण में 2014 की फिल्म द इमिटेशन गेम शामिल है प्रारंभिक जीवन और शिक्षा टेडी श्वार्जमैन का जन्म उन्नीस में न्यूयॉर्क शहर में द ब्लैकस्टोन ग्रुप के सह संस्थापक अध्यक्ष और सीईओ स्टीफन ए श्वार्जमैन और नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी और माउंट सिनाई मेडिकल सेंटर के ट्रस्टी एलेन कार्ट्स नी फिलिप्स के घर हुआ था एक और उनकी बहन लेखिका और पॉडकास्टर जिब्बी ओवेंस हैं दो उनका परिवार यहूदी है तीन ड्यूक यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ से जेडी की डिग्री पूरी करने से पहले उन्होंने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से अंग्रेज़ी में डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की चार कैरियर श्वार्जमैन न्यूयॉर्क स्थित फर्म स्कैडेन में एक कॉरपोरेट वकील थे जहां उन्होंने रियल एस्टेट और कॉरपोरेट पुनर्गठन में विशेषज्ञता हासिल की पांच फिल्म उद्योग में काम करने के लिए उन्होंने स्कैडेन को छोड़ दिया उनकी पहली नौकरी दी अदर वुमन में एक निजी सहायक के रूप में थी जो 2009 में निर्मित और 2010 में रिलीज हुई थी बाद में उन्होंने अनुभव के बारे में कहा यह उन स्थितियों में से एक थी जब आपको यह साबित करना था कि आप वास्तव में इसमें रहना चाहते हैं व्यापार चार उन्होंने जॉन स्लॉस की फिल्म सलाहकार कर पनी सिनेटिक मीडिया के लिए काम किया जहां वह 2011 की फिल्मों बर्नी और द लोनलिएस्ट प्लेनेट के निर्माण के लिए धन जुटाने में शामिल थे चार श्वार्समैन ने 2011 में अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी ब्लैक बियर पिक्चर्स की स्थापना के लिए सिनेटिक छोड़ दी जिसके वे अध्यक्ष और सीईओ हैं वहां उन्होंने पहली फिल्म एट एनी प्राइस 2012 का निर्माण किया उसके बाद 2013 की फिल्में ब्रोकन सिटी एसीओडी और ऑल इज लॉस्ट बनाईं छह उनकी पांचवीं और सबसे सफल फिल्म द इमिटेशन गेम थी जो 2014 में एलन ट्यूरिंग के बारे में एक बायोपिक थी जिसे उन्होंने नोरा ग्रॉसमैन और इडो ओस्ट्रोस्की के साथ निर्मित किया था श्वार्जमैन ने ग्राहम मूर की पटकथा तब खरीदी जब वह नर ब्रदर्स ने 2012 में इसे बेच दिया और 30 अन्य निर्माताओं के साथ प्रतिस्पर्धा की जो स्क्रिप्ट हासिल करना चाहते थे चार द इमिटेशन गेम को कई प्रशंसाएं मिलीं जिनमें क्रमशः सर्वश्रेष्ठ पिक्चर और सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश फ़िल्म के लिए अकादमी पुरस्कार और बाफ्टा पुरस्कार नामांकन शामिल हैं श्वार्जमैन, ग्रॉसमैन और ओस्ट्रोस्की को प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड के लिए भी नामांकित किया गया था श्वार्जमैन ने न्यूयॉर्क शहर की वकील एलेन मैरी जाजैक से शादी की जिनसे उनकी मुलाकात ड्यूक में नवंबर 2007 में मोंटेगोबे, जमैका में हुई थी एक उनके तीन बच्चे हैं और वे लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में रहते हैं चार फिल्मोग्राफी निर्माता किसी भी कीमत पर 2012 हजार बारह टूटा हुआ शहर 2013 हजार तेरह ए दो हजार तेरह द इमिटेशन गेम दो हजार, हजार चौदह बैरी दो हजार सोलह सोना दो हजार सोलह उपनगर दो हजार सत्रह द हैप पी टाइम मर्डर्स दो हजार अठारह हमारा मित्रक दो हजार उन्नीस मुझे बहुत परवाह है 2020 हजार बीस पैसा 2023 छोटी मछली 2021 दोस्तों इसकी रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो 1 सितंबर 2023 को तेईस मुख्य रूप से टू लाइट टे एक फेस्टिवल में रिलीज़ किया गया था और इसके बाद 20 अक्टूबर 2023 को इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज़ कर दिया गया है और ओ पर नेटफ्लिक्स पर हमें देखने को मिली है इस मूवी की लेंथ के बारे में बात की जाए तो तकरीबन एक मिनट इसकी लेंथ है और संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे बनाया गया इसकी मेन बेस लैंग्वेज की बात की जाए तो इसे इंग्लिश के अंदर बनाया गया है बाकी मल्टीपल लैंग्वेजों में इसे डब करके कर रिलीज़ किया गया है जिसमें हिंदी भी हमें देखने को मिलेगी नेटफ्लिक्स डब के द्वारा और बाकी आप अपनी कंट्री के हिसाब से चेकआउट कर सकते हो मैंने वही लिंक नीचे प्रोवाइड करा दिया है दोस्तों इसी के साथ अब हम आगे चलते हुए प्री प्रोडक्शन प्रोडक्शन के बारे में डिटेल आपको बताते हैं जिमी चिन जन्मसी बारह बटा दस बटा उन्नीस सौ तिहत्तर एक एक अमेरिकी पेशेवर पर्वतीय एथलीट फोटोग्राफर स्कीयर फिल्म निर्देशक और लेखक हैं चिन 20 वर्षों से अधिक समय से द नॉर्थ फेस एथलीट टीम में एक पेशेवर पर्वतारोही और स्कीयर रहे हैं दो दो में चिन ने किट और रॉब डेस्लॉरियर्स के साथ माउंट एवरेस्ट के शिखर से पहली सफल अमेरिकी स्की लैंडिंग हासिल की पांच साल बाद चिन कॉनराड एंकर और रेनन ओस्टर्क ने भारत की मेरू चोटी पर ग्रेनाइट की दीवार शार्कफिन की पहली चढ़ाई पर कब्ज़ा कर लिया तीन अभियानों और चढ़ाई का दस्तावेजीकरण करने वाले चिन के काम को कई प्रकाशनों में दिखाया गया है जिनमें नेशनल जियोग्राफिक चार द न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन वैनिटी फेयर आउटसाइड मैगजीन और अन्य शामिल हैं 2019 में चिन को उसके साथियों द्वारा नेशनल जियोग्राफिक फोटोग्राफर फोटोग्राफर अवार्ड से सम्मानित किया गया पहाड़ों में उनके करियर का दस्तावेजीकरण करने वाली फोटोग्राफी की उनकी पहली पुस्तक देयर एंड बैक 2021 में न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर बन गई चिन अपनी पत्नी एलिजाबेथ चाय वासरहेली के साथ सहनिर्देशन करते हैं साथ में उन्होंने डॉक्यूमेंट्री मेरू का निर्देशन किया जिसने संडांस फिल्म फेस्टिवल में ऑडियंस अवार्ड सहित कई पुरस्कार जीते पांच और अकादमी पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया और फ्री सोलो जिसने सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर के लिए अकादमी पुरस्कार जीता छः एक बाफ्टा सात और सात प्राइम टाइम एमीज आठ फ्री सोलो ने किसी डॉक्यूमेंट्री के लिए इतिहास में सबसे ज्यादा कमाई करने वाला शुरुआती सप्ताहांत बनाया फिल्म ने अंतः बॉक्स ऑफिस सपर २९ मिलियन डॉलर की कमाई की चिन और चाय की २०२१ डॉक्यूमेंट्री द रेस्क्यू थाम लुआंग गुफा बचाव का विवरण देती है द रेस्क्यू ने कई पुरस्कार जीते जिसमें टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पीपल्स चॉइस अवार्ड भी शामिल है नौ और इसे अकादमी पुरस्कार के लिए भी चुना गया था 2022 में उन्होंने एलोन मस्क और स्पेस एक्स के बारे में अपनी डॉक्यूमेंट्री रिटर्न टू स्पेस जारी की डायना न्याद की क्यूबा से फ्लोरिडा तक की ऐतिहासिक तैराकी के बारे में उनकी पहली स्क्रिप्टेड फीचर फिल्म न्याद में एनेक बेनिंग और जोड़ ई फोस्टर ने अभिनय किया था और इसका प्रीमियर 2023 में हुआ था दस चढ़ाई का कैरियर 1999 से 2001 तक चिन्ह ने पाकिस्तान के काराकोरम पर्वत पर चढ़ाई अभियानों का आयोजन किया उन्होंने 2001 में द नॉर्थ फेस के साथ एक प्रायोजन समझौते पर हस्ताक्षर किए ग्यारह 2002 में उन्हें गैलेन रोवेल रिक रिजवे और कॉनराड एंकर के साथ तिब्बत में सुदूर चांगतांग पठार को एक असमर्थित पार करने के लिए नेशनल जियोग्राफिक अभियान में शामिल होने के लिए कहा गया था इस अभियान को नेशनल जियोग्राफिक के अप्रैल 2003 अंक 11 में प्रदर्शित किया गया था और रिक रिजवे की पुस्तक द बिग ओपन में इसका दस्तावेजीकरण किया गया था 2003 में चिन स्टीफन कोच के साथ एवरेस्ट की ओर बढ़े उन्होंने अल्पाइन शैली में पूरक ऑक्सीजन निश्चित रस्सियों और शिविरों को छोड़कर जापानी कूलॉयर के माध्यम से हॉर्नबीन कूलॉयर तक सीधे उत्तरी चेहरे का प्रयास किया वे असफल रहे और दोनों हिमस्खलन में लगभग मारे गए उद्धरण वांछित मई 2004 में स्टीफन डाल्डरी के साथ एक फीचर फिल्म प्रोजेक्ट पर वर्किंग टाइटल के लिए फिल्मांकन के दौरान चिन डेविड ब्रेशियर्स और एड वियस्टर्स के साथ एवरेस्ट पर चढ़ गए चिन बाद में 2005 में एड वियस्टर्स के साथ अन्नपूर्णा गए विएस्टर्स ने सफलतापूर्वक अन्नपूर्णा पर चढ़ाई की और ऑक्सीजन के बिना दुनिया की सभी 8,000 मीटर की चोटियों पर चढ़ने की अपनी खोज पूरी की चिन्ह अभियान की तस्वीरें खींची और कहानी मेंस जर्नल के सितंबर 2005 अंक में छपी उद्धरण वांछित अक्टूबर 2006 में उन्होंने किट दिसर्स और रॉब डे के साथ माउंट एवरेस्ट पर पहली सफल अमेरिकीज की चढ़ाई हासिल की उन्होंने शिखर से स्कीइंग की और लोट से फेस पर साउथ पिलर रूट पर स्कीइंग करने वाले एकमात्र लोग हैं उद्धरण वांछित मई 2007 में चिन एक पर्वतारोही और अभियान फोटोग्राफर के रूप में एवरेस्ट के उत्तरी चेहरे तक जॉर्ज मैलोरी और सैंडी इरविन की दुर्भाग्यपूर्ण अंतिम यात्रा को दोहराने के प्रयास में एल्टीट्यूड एवरेस्ट अभियान में शामिल हुए उद्धरण वांछित 2007 में चिन मार्क सिनोट कॉनराड एंकर और एलेक्स होन्नोल्ड के साथ माउंट किनाबालू पर 14,000 फीट की ऊंचाई पर 2,500 फीट ऊंची अल्पाइन बड़ी दीवार पर पहली चढ़ाई करने के लिए बोर्निय गए बारह दो में चिन कॉनराड एंकर और रेनन ओस्टर्क ने भारत की गढ़वाल हिमालय श्रृंखला में इक्कीस हजार फुट ऊंचे मेरू सेंट्रल के शिखर तक ले जाने वाले ग्रेनाइट के एक हजार पांच सौ फुट के ब्लेड शार्क फिन पर अपना पहला प्रयास किया वे दीवार पर उन्नीस दिन बिताते हैं लेकिन शिखर से केवल एक सौ मीटर पहले ही वापस लौटने के लिए मजबूर हो जाते हैं तेरा 2009 में चाड़ के सुदूर एनेडी रेगिस्तान के एक अभियान पर चिन एलेक्स होन्नोल्ड रेनन ओस्टर्क मार्क सिनॉट और जेम्स पियर्सन ने बलुआ पत्थर के टावरों और मेहराबों पर पहली बार चढ़ाई की उद्धरण वांछित प्रमुख हिमालयी अभियानों के अलावा चीन ने बाफिन द्वीप बोर्नियो माली चार्ड पिटकेर द्वीप अंटार्कटिका और ग्रह के अन्य दूरदराज के क्षेत्रों में कई खोजपूर्ण चढ़ाई और स्कीइंग अभियानों में भाग लिया है उद्धरण वांछित अप्रैल 2011 में चीन अपने ग्रह पर्वत श्रृंखला ग्रैंड टेटन्स में क्लास चार हिमस्खलन से बच गया चौदह अक्टूबर 2011 में चीन कॉनराड एंकर और रेनन ओस्टर्क ने भारत में गढ़वाल हिमालय में मेरू सेंट्रल पर शार्क के फिन मार्ग की पहली चढ़ाई की उन्होंने 2008 में भी यही चढ़ाई करने की कोशिश की थी लेकिन उन्हें शिखर से लगभग 100 मीटर दूर मुड़ना पड़ा पंद्रह उनकी फिल्म ऑफ द क्लाइंब मेरू 2015 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी सोलह 2017 में चिन और एंकर ने अंटार्कटिका में क्वीन लैंड में उल्वेटन्ना पीक पर एक नया मार्ग स्थापित किया जिसे द फैन कहा जाता है उद्धरण वांछित 2020 में चिन एंकर जिम मॉरिसन और हिलेरी नेल्सन ने एक दिन में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर चढ़ाई की और स्कीइंग की टीम ने पहाड़ पर 48 घंटे से भी कम समय बिताया वे अंटार्कटिका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट टायरी पर फ्रांसीसी मार्ग पर चढ़ने और स्की करने का प्रयास करने गए लेकिन उच्च हिमस्खलन के खतरे के कारण वे वापस लौट आए उद्धरण वांछित फिल्म निर्माण करियर चिन ने 2003 में रिक रिजवे की देखरेख में फिल्मांकन शुरू किया वह नेशनल जियोग्राफिक टेलीविजन विशेष डेडली फैशन के लिए एक छायाकार थे बाद में उन्होंने डेविड ब्रेशियर्स के साथ काम किया और माउंट एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने वाले एड बेस्टर्स की शूटिंग की उन्होंने फीचर डॉक्यूमेंट्री 180 साउथ पर वुडशेड फिल्म्स के क्रिस मेलॉय के साथ सिनेमेटोग्राफर के रूप में काम किया उद्धरण वांछित 2010 में चिन्ह ने टिम कैंपल और रेनन ओस्टर्क के साथ व्यावसायिक उत्पादन कंपनी कैंप चार कलेक्टिव की शुरुआत की उन्होंने 2014 में कंपनी को अपने साझेदारों को बेच दिया उद्धरण वांछित चिन्ह ने अपनी 2011 की चढ़ाई के बारे में फ़ीचर लेंथ डॉक्यूमेंट्री मेरू का निर्माण और निर्देशन करने के लिए अपनी पत्नी एलिजाबेथ चाई वासारेली के साथ सहयोग किया 17 इसका प्रीमियर 2015 हज़ार पंद्रह फिल्म फेस्टिवल में हुआ जिसने यूएस ऑडियंस डॉक्यूमेंट्री अवार्ड जीता सोलह एलेक्स होन्नोल्ड और चिन ने 2009 में एक साथ चढ़ाई शुरू की लेकिन 2015 तक ऐसा नहीं हुआ कि होन्नोल्ड ने एल कैपिटन पर चढ़ने की अपनी प्रक्रिया को फिल्माने के लिए चिन और पत्नी एलिजाबेथ चाई वासारेली को चुना 18. 3 जून 2017 को चिन ने एक टीम का नेतृत्व किया जिसने योसेमाइट नेशनल पार्क में एल कैपिटन की पहली रस्सी मुक्त चढ़ाई पर एलेक्स होनोल्ड को फिल्माया सरहेली के साथ फिर से सहयोग करते हुए उन्होंने फीचर लेंथ डॉक्यूमेंट्री फ्री सोलो का निर्माण और निर्देशन किया उन्नीस फ्री सोलो ने पीपुल्स च्वाइस अवार्ड जीता 2018 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में वृत्तचित्र 20 सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए 2018 बाफ्ता बाफ्टा पुरस्कार 21 और सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र फीचर के लिए 2018 अकादमी पुरस्कार छ चिन और चाई की 2021 डॉक्यूमेंट्री द रेस्क्यू 2018 थाम लुआंग गुफा बचाव का वर्णन करती है जिसके दौरान एक एसोसिएशन फुटबॉल टीम के बारह लड़कों और उनके सहायक कोच को उत्तरी थाईलैंड में बाढ़ वाली गुफा के अंदर से बचाया गया था फिल्म जिसका प्रीमियर अक्टूबर 2021 में चुनिंदा सिनेमाघरों में हुआ ने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पीपुल्स च्वाइस डॉक्यूमेंट्री अवार्ड जीता और इसे आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली उद्धरण वांछित उनकी 2022 की डॉक्यूमेंट्री रिटर्न टू स्पेस एलोन मस्क और स्पेसएक्स पर केंद्रित है 22. जिमी चिन के साथ आठ भाग की डॉक्यूमेंट्री श्रृंखला एज ऑफ द अननोन का प्रीमियर 7 सितंबर 2022 को डिज्नी प्लस पर हुआ चिन और चाई ने दो एपिसोड का सह निर्देशन और निर्माण किया जबकि चिन को पूरी श्रृंखला में दिखाया गया था परोपकार चिन्ह ने पर्यावरण अधिकारों का समर्थन करने वाले दान और अभियानों के साथ काम किया है शोक मनाने के लिए एक जानबूझकर संसाधन तैयार करने के लिए उन्होंने अमेरिकन अल्पाइन क्लब के साथ साझेदारी की है एक्सेस फंड के साथ उनका काम राष्ट्रीय स्मारक अधिकारों का समर्थन करता है चिन नेशनल आउटडोर लीडरशिप स्कूल एनओएलएस के बोर्ड में है और 2001 से संरक्षण गठबंधन का एक योगदानकर्ता सदस्य है चिन सिलेगेसी महासागर संरक्षण परियोजना का भी सदस्य है उद्धरण वांछित व्यक्तिगत जीवन चिन का जन्म और पालन पोषण मैनकाटो मिनेसोटा में हुआ और उन्होंने वेलैंड अकादमी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की उनके माता पिता दोनों चीन से हैं उनके पिता का जन्म वानजाव में हुआ था और उनकी मां का जन्म हार्बिन में हुआ था तेईस वे दोनों लाइब्रेरियन के रूप में काम करते थे चौबीस वह उन्नीस सौ छियानवे में कार्लटन कॉलेज के पूर्व छात्र हैं एक पच्चीस जहां उन्होंने एशियाई अध्ययन में बीए की उपाधि प्राप्त की एक वह पहली बार कार्लटन में रहते हुए चढ़ाई में शामिल हुए छब्बीस कॉलेज के बाद अपने माता पिता की अस्वीकृति के बावजूद वह डट बैग पर चढ़ने वाला बन गया। जब उन्होंने फोटो लेने के लिए अपने सो रहे चढ़ाई वाले साथी का कैमरा उधार लिया तो उन्हें अचानक ही फोटोग्राफी की खोज हुई उन्होंने वह तस्वीर पांच सौ डॉलर में बेची और यहीं से उनके फोटोग्राफी करियर की शुरुआत हुई सत्ताईस ग्यारह छब्बीस मई 2013 को चिन ने फिल्म निर्देशक और निर्माता एलिजाबेथ चाई वासारेली से शादी की अट्ठाईस वे अपनी बेटी और बेटे के साथ जैक्सन व्योमिंग में रहते हैं उद्धरण वांछित उल्लेखनीय आरोहण किसी जीवित व्यक्ति की जीवनी के इस खंड में कोई संदर्भ या स्रोत शामिल नहीं है कृपया विश्वसनीय स्रोत जोड़कर सहायता करें जीवित लोगों के बारे में बिना स्रोत वाली या खराब स्रोत वाली विवादास्पद सामग्री को तुरंत हटा दिया जाना चाहिए स्रोत खोजें जिमी चिन समाचार समाचार पत्र किताबें विद्वान जेस्टीओ दिसंबर 2022 जाने की इस टेम्पलेट संदेश को कैसे और कब हटाना है आरोहण मेरु शार्क फिन ईस्ट फेस सेवन पांच दशमलव एक शून्य ए चार एम सात भारत का एफ माउंट एवरेस्ट साउथ कर्नल रूट नेपाल उल्वेटन्ना एंकर चिन रूट का एफए सेवन पांच दशमलव एक शून्य अ तीन माउंट किनाबालू एफ ए वी पांच दशमलव एक दो ए दो बोर्नियो कागापोमोरी एफ ए फोर पांच डॉट ग्यारह आर साउथ फेस माली अफ्रीका मुस्ताग पहली चढ़ाई दक्षिण पूर्व रिज इक्कीस हजार फीट झिंजियांग चीन ग्रैंड ट्रेवर्स ग्रैंड टेटन नेशनल पार्क का निःहशुल्क एकल कार से कार तक बारह घंटे टावर एफ ए सेवन पांच दशमलव एक एक तीन कोंडस वैली काराकोरम पाकिस्तान एल कैपिटन की पंद्रह एक दिवसीय चढ़ाई नेटिव सन सिक्स पांच दशमलव नौ चार प्रशांत महासागर की दीवार सिक्स पांच दशमलव एक शून्य ए तीन प्लस बीट्राइस टॉवर एफ ए सेवन पांच दशमलव एक शून्य प्लस ए तीन प्लस चरकुसा घाटी काराकोरम पाकिस्तान थी ब्रैक एफ ए सिक्स पांच दशमलव एक शून्य प्लस ए तीन वी चार चरकुसा घाटी काराकोरम पाकिस्तान स्की पर्वतारोहण माउंट एवरेस्ट साउथ पिलर रूट पहला अमेरिकी स्की अवतरण ताई यांग पीक पहली चढ़ाई और स्की अवतरण झिझियांग चीन चांग झेंग पीक बाईस हजार आठ सौ फीट पहला वंश सेंट्रल रोंगबुक तिब्बत ग्रैंड टेटन के पच्चीस की अवरोहण ग्रैंड टेटन का पहला एकल शीतकालीन स्की अवतरण ग्रैंड टेटन मिडिल टेटन और साउथ टेटन पर कार दरकार दस घंटे तक स्कीइंग की टेटन रेंज की सभी प्राथमिक चोटियों से कई लाइनें स्किड हुईं जिनमें बक माउंटेन के उत्तरी चेहरे पर न्यूकॉम कूलॉयर नेस परसे पर स्पूकी फेस दक्षिण टेटन पर अमोरे विदा मध्य टेटन पर ग्लेशियर रूट कोलविन शामिल हैं माउंट ओवेन टीविनॉट का पूर्वी चेहरा और माउंट मोरन पर स्किलेट आदि देनाली वेस्ट बटरेस रेस्क्यू गली प्रकाशन वहां और पीछे 2021 फिल्मोग्राफी फीचर डॉक्यूमेंट्री निर्माता बटा निर्देशक मेरू 2015 फ्री सोलो 2018 बचाव 2021 14 चौदह शिखर कुछ भी असंभव नहीं है 2021 अंतरिक्ष पर वापसी 2022 वन्य जीवन 2023 प्रशिक्षक मास्टर क्लास जिमी चिन एडवेंचर फोटोग्राफी सिखाता है उनतीस फिल्म पुरस्कार और सम्मान किसी जीवित व्यक्ति की जीवनी के इस खंड को सत्यापन के लिए अतिरिक्त उद्धरणों की आवश्यकता है कृपया विश्वसनीय स्रोत जोड़कर सहायता करें जीवित व्यक्तियों के बारे में बिना स्रोत वाली या खराब स्रोत वाली विवादास्पद सामग्री को लेख और उसके वार्ता पृष्ठ से तुरंत हटा दिया जाना चाहिए खासकर यदि संभावित रूप से अपमानजनक हो स्रोत खोजें जिमी चिन्ह समाचार समाचार पत्र किताबें विद्वान जेस्टीओ दिसंबर 2022 जाने की इस टेम्पलेट संदेश को कैसे और कब हटाना है पुरस्कार बटा सम्मान वर्ग शीर्षक परिणाम शैक्षणिक पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र फीचर निःशुल्क एकल जीता तीस मेरू लघु सूचीबद्ध बचाव लघु सूचीबद्ध संडास फिल्म फेस्टिवल श्रोतागण पुरस्कार मेरु जीत गया टाइम क्रिएटिव आर्ट्स एमी अवार्ड्स डॉक्यूमेंट्री बटा नॉन फिक्शन कार्यक्रम के लिए उत्कृष्ट निर्देशन निःशुल्क एकल जीता इकतीस एक अनस्क्रिप्टेड प्रोग्राम के अंतर्गत इंटरेक्टिव मीडिया में उत्कृष्ट रचनात्मक उपलब्धि निःशुल्क एकल जीत गया एक गैर काल्पनिक कार्यक्रम के लिए उत्कृष्ट छायांकन निःशुल्क एकल जीत गया एक गैर काल्पनिक कार्यक्रम के लिए उत्कृष्ट चित्र संपादन निःहशुल्क एकल जीत गया नॉनफिक्शन प्रोग्राम के लिए उत्कृष्ट ध्वनि संपादन एकल या मल्टी कैमरा निःशुल्क एकल जीत गया नॉनफिक्शन प्रोग्राम के लिए उत्कृष्ट ध्वनि मिश्रण एकल या मल्टी कैमरा निःशुल्क एकल जीत गया किसी वृत्तचित्र श्रृंखला या विशेष के लिए उत्कृष्ट संगीत रचना मूल नाटकीय स्कोर निःशुल्क एकल जीत गया टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पीपुल्स चॉइस डॉक्यूमेंट्री निःशुल्क एकल जीत गया बचाव जीत गया ओपनिंग वीकेंड ग्रोज अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली डॉक्यूमेंट्री निःशुल्क एकल जीत गया ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र नेहशुल्क एकल जीता बत्तीस बचाव नामांकित तैतीस प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका डॉक्यूमेंट्री थिएट्रिकल मोशन पिक्चर्स के उत्कृष्ट निर्माता निःहशुल्क एकल नामांकित चौंतीस बचाव नामांकित पैंतीस डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका डॉक्यूमेंट्री के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक नेहशुल्क एकल नामांकित 36 तो दोस्तों आज हम इससे एक तरह से स्पोर्ट ड्रामा मूवी के बारे में बात कर रहे थे और ये कुछ दिनों यानी कुछ महीनों के बाद ऐसा कंटेंट हमें देखने को मिला है और कुछ हटकर हमें देखने को मिला है जिसके अंदर एक्शन तो आपको देखने को नहीं मिलेगा लेकिन ये एक ज़बरदस्त कंटेंट है और हटके कंटेंट है जो कि नेटफ्लिक्स पर देखने को मिला है तो ऐसा तड़कता भड़कता कंटेंट आपको पसंद है तो आप हमारे चैनल को तो एक बार ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे आप कमेंट कर सकते हैं जिस जिसपे मूवी या सीरीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जाननी हो हमने प्ले लिस्ट बना रखी है सब आपके लिए सुविधा उपलब्ध करा रखी है आपको सिर्फ़ इतना करना है कि चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना है बेल आइकन दबाकर इसे अल्पस सेट कर देना है बाकी सारा काम हमारा है दोस्तों इसी के साथ आप दोस्तों हर प्रकार का कंटेंट हमारे चैनल पर देख सकते हो अब हम दोस्तों इसकी जो कास्टिंग है इस मूवी के अंदर जो कैरेक्टर हमें देखने को मिले हैं उन सभी के बारे में आपको बताते हैं एलिसिया क्रिश्चियन जोडी फोस्टर जन्म 19 नवंबर 1962 एक अमेरिकी अभिनेत्री और फिल्म निर्माता हैं एक दो वह कई प्रशंसाओं की प्राप्त हैं जिनमें दो अकादमी पुरस्कार तीन बाफ्टा पुरस्कार तीन गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और एक स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार शामिल हैं निर्माता और निर्देशक के रूप में उनके काम के लिए उन्हें प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है उन्होंने कई सम्मान भी अर्जित किए हैं जैसे 2013 में गोल्डन ग्लोब सेसिल बी डेमिल पुरस्कार 2016 में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में शामिल किया गया और 2021 में कांस फिल्म फेस्टिवल का मानद पाम डर प्राप्त किया फोस्टर ने अपने पेशेवर करियर की शुरुआत एक बाल मॉडल के रूप में की और बाद में नेपोलियन और सामंथा उन्नीस सौ बहत्तर फ्रीकी फ्राइडे उन्नीस और कैंडल शू उन्नीस सौ सतहत्तर सहित विभिन्न डिज्नी फिल्मों में एक किशोर आदर्श के रूप में काम किया उन्होंने मार्टिन स्कोरसे की कॉमेडी ड्रामा एलिस डोंट लिव हियर अनिमोर उन्नीस में अभिनय किया और टैक्सी ड्राइवर उन्नीस में उनके साथ फिर से एक भूमिका निभाई जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के नामांकन के लिए अकादमी पुरस्कार मिला अन्य शुरुआती फिल्मों में टॉम सॉयर उन्नीस सौ तिहत्तर बक्सीम एलोन उन्नीस सौ छिहत्तर द लिटिल गर्ल हु लिव्स डाउन द लेन उन्नीस सौ छिहत्तर कार्नी उन्नीस सौ अस्सी और फॉक्स उन्नीस सौ अस्सी शामिल हैं येल विश्वविद्यालय में भाग लेने के बाद फोस्टर ने परिपक्व प्रमुख भूमिकाओं में बदलाव किया और द एक्सेस्ट उन्नीस में एक बलात्कार पीड़िता की भूमिका निभाने के लिए दो अकादमी पुरस्कार अर्जित किए और द साइलेंस ऑफ द लैम्प्स उन्नीस में क्लेरिस स्टार्लिंग की भूमिका निभाई उन्हें नेल उन्नीस सौ के लिए नामांकन भी मिला उनकी अन्य उल्लेखनीय फिल्मों में सोमर्स बी उन्नीस सौ तिरानवे मेवरिक उन्नीस सौ चौरानवे कॉन्टैक्ट उन्नीस सौ सत्तानवे अन्ना एंड द किंग उन्नीस सौ निन्यानवे पैनिक रूम 2002 फ्लाइट प्लान 2005 इनसाइड मैन 2006 हजार द ब्रेव वन 2007 शामिल हैं। निम्स Island 2008, हजार आठ कार्नेज दो हजार ग्यारह एलिसियम दो हज़ार तेरह होटल आर्टेमिस दो हजार अठारह और द मॉरिटानियन दो हजार इक्कीस फोस्टर ने लिटिल मैनटेट उन्नीस सौ इक्यानवे के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की और तब से होम फॉर द हॉलीडेज उन्नीस सौ पंचानवे द बीवर दो हजार ग्यारह और मनी मॉन्स्टर दो हजार सोलह जैसी फिल्मों का निर्देशन किया है तीन उन्होंने उन्नीस सौ बानवे में अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी एग पिक्चर्स की स्थापना की उन्होंने द बेबी डांस उन्नीस सौ निन्यानवे के निर्माण और 2014 में ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक एपिसोड लेस्बियन रिक्वेस्ट डेनिड के निर्देशन के लिए दो प्राइम टाइम एमी पुरस्कार अर्जित किए टेल्स फ्रॉम द डार्क साइड हाउस ऑफ कार्ड्स ब्लैक मिरर और टेल्स फ्रॉम द लूप के एपिसोड द का भी निर्देशन किया प्रारंभिक जीवन फोस्टर का जन्म 19 नवंबर उन्नीस को लॉस एंजल्स में हुआ था वह एवलिन एला ब्रांडी नी बादाम, उन्नीस सौ 2019 दो शून्य एक नौ चार और एक धनी व्यापारी लुसियस फिशर फोस्टर थ्री की सबसे छोटी संतान थे पांच वह अंग्रेजी मूल की है थे कुछ स्कॉट्स आयरिश बटा उत्तरी आयरिश विरासत के साथ साथ अपने पिता की ओर से वह जॉन एल्डन की वंशज हैं जो 1620 में मेफ्लावर पर उत्तरी अमेरिका पहुंचे थे पांच आठ उसके माता पिता का विवाह उसके जन्म से पहले ही समाप्त हो गया था और उसने कभी भी अपने पिता के साथ संबंध स्थापित नहीं किया पांच सितंबर 2010 उसके तीन बड़े पूर्ण भाई बहन हैं लुसिंडा जन्म उन्नीस सौ चौवन कॉन्स्टेंस जन्म उन्नीस सौ पचपन और लूसियस उपनाम बड़ी जन्म उन्नीस सौ सत्तावन साथ ही उसके पिता के तीन सौतेले भाई भी हैं पहले की शादी आठ तलाक के बाद ब्रांडी ने लॉस एंजल्स में अपनी महिला साथी के साथ बच्चों का पालन पोषण किया पांच ग्यारह उन्होंने बड़ी और जोड़ी के अभिनय करियर के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने तक फिल्म निर्माता आर्थर पी जैकब्स के लिए प्रचारक के रूप में काम किया पांच आठ नौ हालांकि फॉस्टर का नाम आधिकारिक तौर पर एलिसिया रखा गया था लेकिन उसके भाई बहन उसे जोड़ी कहने लगे और यह नाम अटक गया बारह फॉस्टर एक प्रतिभाशाली बच्चा था जिसने तीन साल की उम्र में पढ़ना सीख लिया था पांच नौ उन्होंने फ़्रेंच भाषा के प्रीप स्कूल लीसी फ़्रैंकैस डी लॉस एंजल्स में पढ़ाई की नौ फ्रेंच में उनके प्रवाह ने उन्हें फ़्रेंच फ़िल्मों में अभिनय करने में सक्षम बनाया है और वह अपनी अधिकांश अंग्रेज़ी भाषा की फ़िल्मों के फ़्रेंच भाषा संस्करणों में खुद को डब भी करती हैं पाँच एक तीन एक नौ आठ शून्य में अपने स्नातक स्तर पर उन्होंने स्कूल के फ्रेंच डिवीजन के लिए समापन भाषण दिया नौ इसके बाद उन्होंने न्यू हेवन, कनेक्टिकट में येल विश्व विद्यालय में दाखिला लिया दस चौदह जहां उन्होंने अफ्रीकी अमेरिकी साहित्य में महारत हासिल की हेनरी लुई गेट्स जूनियर के मार्गदर्शन में टोनी मॉरिसन पर अपनी थीसिस लिखी और मैग्ना कम लाउड में स्नातक की उपाधि प्राप्त की उन्नीस में पांच पंद्रह सोलह सत्रह वह स्नातक कक्षा को संबोधित करने के लिए उन्नीस सौ तिरानवे में ये लौट आई और उन्नीस सौ सत्तानवे में उन्हें डॉक्टर ऑफ फाइन आर्ट्स की मानद उपाधि प्राप्त हुई एक आठ एक नौ दो शून्य एक आठ में उन्हें सम्मानित किया गया येल अंडर ग्रेजुएट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड बीस आजीविका एक नौ छः पाँच एक नौ सात पांच करियर की शुरुआत पेपर मून उन्नीस सौ चौहत्तर के प्रचार फोटो में क्रिस्टोफर कॉनली के साथ फोस्टर उनकी पहली अभिनीत भूमिकाओं में से एक फॉस्टर के करियर की शुरुआत उन्नीस में कॉपरटोन टेलीविजन विज्ञापन में उपस्थिति के साथ हुई जब वह तीन साल की थी नौ इक्कीस प्रितिहत्तर बाईस उसकी माँ का इरादा केवल जोड़ी के बड़े भाई बड़ी के ऑडिशन के लिए था लेकिन वह जोड़ी को अपने साथ कास्टिंग कॉल पर ले गई थी जहां कास्टिंग एजेंटों की नज़र उस पर पड़ी 8 सितंबर 1921 सौ इक्कीस टेलीविजन स्पॉट के कारण अधिक विज्ञापन कार्य मिला और 1968 में सिटकॉम मेबेरी आरएफ़डी में एक छोटी भूमिका निभाई जिसमें उनके भाई ने अभिनय किया नौ इक्कीस पृष्ठ चौहत्तर बाद के वर्षों में फोस्टर नेव विज्ञापन में काम करना जारी रखा और पचास से अधिक टेलीविजन शो में दिखाई दिए इस दौरान वह और उसका भाई परिवार का भरण पोषण करने वाले बन गए आठ इक्कीस पृष्ठ तिहत्तर द कोर्टशिप ऑफ एडीज फादर एक नौ नौ एक नौ सात एक और बॉब एंड कैरोल एंड टेड एंड, एंड, एंड एलिस उन्नीस में उनकी आवर्ती भूमिकाएं थीं और उन्होंने अल्पकालिक पेपर मून में क्रिस्टोफर कोनेली के साथ अभिनय किया उन्नीस हिट फिल्म से अनुकूलित इक्कीस प्रतिहत्तर फॉस्टर फिल्मों में भी नजर आए ज्यादातर डिज्नी के लिए इक्कीस पृष्ठ तिहत्तर टेलीविजन फिल्म मेनस ऑन द माउंटेन 1970 में एक भूमिका के बाद उन्होंने नेपोलियन और सामंथा उन्नीस में एक फीचर फिल्म की शुरुआत की जिसमें एक लड़की की भूमिका निभाई जो एक लड़के से दोस्ती करती है जिसे जॉनी भिटेकर ने निभाया था और उसका पालतू शेर सेट पर गलती से शेर ने उन्हें पकड़ लिया था जिससे उनकी पीठ पर चोट के निशान पड़ गए थे तेईस उनकी अन्य प्रारंभिक फिल्मों में रकेल वेच वाहन कैंस सिटी बॉम्बर उन्नीस वेस्टर्न वन लिटिल इंडियन उन्नीस मार्क ट्वेन रूपांतरण टॉम सॉयर उन्नीस और मार्टिन स्कॉर्सेस की एलिस डोंट लिव हियर शामिल हैं अनिमोर उन्नीस जिसमें वह रिपल ड्रिंकिंग स्ट्रीट किड की सहायक भूमिका में दिखाई दी नौ इक्कीस प्रि फोस्टर ने कहा कि उन्हें बचपन में अभिनय करना बहुत पसंद था और वह अपने शुरुआती काम को उस अनुभव के लिए महत्व देती हैं जो उन्हें मिला कुछ लोगों को तुरंत ब्रेक मिल जाता है और वे घोषणा करते हैं मैं कभी भी विज्ञापन नहीं करूंगा। यह बहुत घटिया बात है मैं उन्हें बताना चाहता हूं ठीक है मुझे खुशी है कि आपका चेहरा सुंदर है क्योंकि मैंने उस काम में 20 साल तक काम किया है और मुझे लगता है कि यह वास्तव में अमूल्य है इसने मुझे वास्तव में बहुत कुछ सिखाया है चौबीस एक नौ सात छ एक नौ आठ शून्य टैक्सी ड्राइवर और किशोर स्टारडम फ़ॉस्टर की मां को चिंता थी कि उनकी बेटी का करियर तब तक ख़त्म हो जाएगा जब वह बच्चों के साथ खेलना छोड़कर बड़ी होगी और उन्होंने फ़ैसला किया कि फ़ॉस्टर को वयस्क दर्शकों के लिए फ़िल्मों में भी अभिनय शुरू करना चाहिए 25 एलिस में छोटी सहायक भूमिका के बाद स्कोरसे ने उन्हें टैक्सी ड्राइवर उन्नीस में एक बाल वेशा की भूमिका में लिया छब्बीस फिल्म करने में सक्षम होने के लिए फोस्टर को मनोरोग मूल्यांकन से गुजरना पड़ा और सेट पर एक सामाजिक कार्यकर्ता भी उनके साथ था सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस उनकी बड़ी बहन ने यौन तेजक दृश्यों में उनके स्टैंड इन के रूप में काम किया अट्ठाईस तीस फोस्टर ने बाद में भूमिका पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें इस विचार से नफ़रत है कि हर कोई सोचता है कि अगर कोई बच्ची अभिनेत्री बनने जा रही है तो इसका मतलब है कि उसे शर्ली टेंपल या किसी की छोटी बहन की भूमिका निभानी होगी इकतीस फिल्मांकन के दौरान फोस्टर ने सहकलाकार रॉबर्ट डी नीरो के साथ एक बंधन विकसित किया जिन्होंने उनमें गंभीर क्षमता देखी और उनके साथ दृश्यों का अभ्यास करने के लिए समय समर्पित किया बत्तीस उन्होंने टैक्सी ड्राइवर को जीवन बदलने वाला अनुभव बताया और कहा कि यह पहली बार था जब किसी ने मुझसे एक ऐसा किरदार बनाने के लिए कहा जो मैं नहीं थी यह पहली बार था जब मुझे एहसास हुआ कि अभिनय कोई ऐसा शौक नहीं है जो आप चाहते हैं किया था लेकिन वहां वास्तव में कुछ शिल्प था नौ टैक्सी ड्राइवर ने कांस फिल्म महोत्सव में पालमेडियोर जीता फोस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ्रांसीसी दुभाषिया के रूप में काम करके पत्रकारों को भी प्रभावित किया सत्ताईस टैक्सी ड्राइवर एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता थी और उसे सहायक अभिनेत्री अकादमी पुरस्कार नामांकन साथ ही दो बाफ्टा एक डेविड दी डोनाटेलो और एक नेशनल सोसाइटी ऑफ फिल्म क्रिटिक्स पुरस्कार मिला नौ सत्ताईस इस फिल्म को अमेरिकी फिल्म संस्थान सत्ताईस और साइट एंड साउंड चौंतीस द्वारा इतिहास में सर्वश्रेष्ठ में से एक माना जाता है और इसे राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षित किया गया है पैंतीस फोस्टर ने 1976 में पालमे छिहत्तर में डियोर के लिए नामांकित एक अन्य फिल्म बक्सी मेलोन में भी अभिनय किया प्रोहिबिशन एरा के गैंगस्टरों के बारे में ब्रिटिश संगीतमय फिल्मों की पैरोडी बनाई गई जिसमें सभी भूमिकाएं बच्चों द्वारा निभाई गईं। फॉस्टर एक स्पीकेजी शो के स्टार के रूप में एक प्रमुख सहायक भूमिका में दिखाई दिए सैतीस निर्देशक एलन पार्कर उनसे प्रभावित हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से फिल्म बनाई जा रही है उसमें वह इतनी बुद्धिमानी से दिलचस्पी लेती हैं कि अगर मैं किसी बस से कुचल गया होता तो मुझे लगता है कि सेट पर शायद वह एकमात्र व्यक्ति थी निदेशक का पद संभालने के लिए अड़तीस उन्हें अपने प्रदर्शन के लिए कई सकारात्मक नोटिस मिले शिकागो सन टाइम्स के रोजर एबर्ट ने कहा कि तेरह साल की उम्र में उन्हें पहले से ही वे भूमिकाएं मिल रही थीं जिनके बारे में वयस्क अभिनेत्रियों ने शिकायत की थी कि वे अब महिलाओं के लिए नहीं लिखी जा रही हैं उनतालीस वैरायटी ने उन्हें उत्कृष्ट बताया चालीस और न्यूयॉर्क टाइम्स के विंसेंट कैनबी ने उन्हें शो का सितारा कहा इकतालीस फॉस्टर के दो बाफ्टा को टैक्सी ड्राइवर और बक्सी मेलोन में उनके प्रदर्शन के लिए संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया था चार दो एक नौ सात छः में रिलीज हुई उनकी तीसरी फिल्म स्वतंत्र नाटक इकोज ऑफ ए समर्थी जिसे दो साल पहले फिल्माया गया था तैंतालीस न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक गंभीर रूप से बीमार लड़की के रूप में फोस्टर के प्रदर्शन को फिल्म की मुख्य ताकत बताया तैंतालीस और शिकागो ट्रिब्यून के जीन सिस्केल ने कहा कि वह एक अच्छी बाल अभिनेत्री नहीं है वह सिर्फ एक अच्छी अभिनेत्री है हालांकि अन्यथा दोनों समीक्षकों ने फिल्म की आलोचना की चवालीस फॉस्टर की उन्नीस सौ छिहत्तर की चौथी फिल्म कनाडाई फ़्रेंच थ्रिलर द लिटिल गर्ल हु लिव्स डाउन द लेन थी जिसमें उन्होंने मार्टिन शीन के साथ अभिनय किया था पैंतालीस छियालीस फिल्म में थ्रिलर और हॉरर शैलियों के पहलुओं को जोड़ा गया और फोस्टर को एक रहस्यमय युवा लड़की के रूप में दिखाया गया जो एक छोटे शहर में अकेली रह रही थी प्रदर्शन ने उन्हें सैटर्न पुरस्कार दिलाया उन्नीस नवंबर में फोस्टर ने सैटरडे नाइट लाइव की मेजबानी की और उन्नीस में सात साल की उम्र में ड्रू बैरिमोर की मेज़बानी से पहले ऐसा करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए तेईस उनकी वर्ष की अंतिम फिल्म डिज्नी कॉमेडी फ्रीकी फ़्राइडे थी उनकी पहली सच्ची स्टार वाहन सैंतालीस अड़तालीस छत्तीस उन्होंने एक टॉम्बॉय किशोरी की भूमिका निभाई जो गलती से अपनी माँ के साथ शरीर बदल लेती है और उन्होंने बाद में कहा कि फिल्म ने उनके लिए एक संक्रमणकालीन अवधि को चिन्हित किया जब वह बच्चों की भूमिकाओं से बाहर निकलने लगीं 48 इसे मुख्य रूप से सकारात्मक समीक्षाएं मिली उनचास और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही पचास फोस्टर को उनके प्रदर्शन के लिए गोल्डन ग्लोब नामांकन मिला इक्यावन जैसे जैसे फॉस्टर बड़ा हुआ उसकी मां ऐसी तस्वीरें चाहती थीं जो फॉस्टर की वयस्क भूमिकाएं निभाने की क्षमता को दर्शाएं, इसलिए उन्होंने एमिलियो लारी के लिए आंशिक रूप से नग्न फोटोशूट की व्यवस्था की फोटोशूट लॉस एंजल्स में एक किराए की संपत्ति पर लिया गया था जिसमें फोस्टर की मां और लारी की पत्नी सेट पर थीं। फोटोशूट के वर्ष का अनुमान 1975 और उन्नीस के बीच है जब फोस्टर की उम्र 13 से 16 वर्ष के बीच थी बावन तिरपन चौवन अपने सफल वर्ष के बाद फोस्टर ने फ्रांस में नौ महीने बिताए जहां उन्होंने अभिनय किया मोई फ्लोर ब्लू 1977 और इसके साउंड ट्रैक के लिए कई गाने रिकॉर्ड किए एक चार पाँच पाँच एक नौ सात सात में रिलीज हुई उनकी अन्य फिल्में इतालवी कॉमेडी कैसोटो उन्नीस और डिज्नी हिस्ट फिल्म कैंडल 1977 उन्नीस थीं जिसे इंग्लैंड में फिल्माया गया था और इसमें अनुभवी अभिनेता डेविड निवेन और हेलेन हेस ने सह अभिनय किया था सैंतालीस अड़तालीस छप्पन इसकी रिलीज़ के बाद फोस्टर 1980 तक किसी भी नई रिलीज में दिखाई नहीं दी जिस वर्ष वह 18 वर्ष की हो गई 1980 में फॉस्टर को स्वतंत्र फिल्म फॉक्स और कार्नी 1980 में उनके प्रदर्शन के लिए सकारात्मक नोटिस मिला सत्तावन इक्कीस प्रतिहत्तर चौहत्तर अट्ठावन एक नौ आठ एक एक नौ आठ नौ वयस्क भूमिकाओं में परिवर्तन और अभियुक्त 1981 में फोस्टर येल में पूर्णकालिक छात्र बन गया इक्कीस प्रि तिहत्तर चौहत्तर उनसठ उन्होंने बाद में कहा कि कॉलेज जाने से अभिनय के बारे में उनके विचार बदल गए जिसे वह पहले सोचती थी कि यह एक मूर्खतापूर्ण पेशा है लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि मैं वास्तव में अभिनय करना चाहती थी और इसमें कुछ भी मूर्खतापूर्ण नहीं था चौबीस उनसठ हालांकि फॉस्टर ने इन वर्षों के दौरान कॉलेज को प्राथमिकता दी फिर भी उन्होंने अपनी गर्मी की छुट्टियों में फिल्में बनाना जारी रखा चौदह ये थीं ओहाराज वाइफ उन्नीस सौ बयासी टेलीविजन फिल्म स्वेनग ये उन्नीस सौ तिरासी जॉन इरविंग रूपांतरण द होटल न्यू हैम्पशायर उन्नीस सौ चौरासी फ़्रेंच फिल्म द ब्लड ऑफ अदर्स उन्नीस सौ चौरासी और पीरियड ड्रामा मेसमेराइज उन्नीस सौ छियासी जो उन्होंने सह निर्माण भी किया साठ उनमें से किसी को भी बड़े दर्शक वर्ग या आलोचनात्मक सराहना नहीं मिली और उन्नीस सौ पचासी में येल से स्नातक होने के बाद फोस्टर को आगे अभिनय कार्य खोजने के लिए संघर्ष करना पड़ा इकसठ इक्कीस चौहत्तर द एक्सेस्ट उन्नीस सौ अट्ठासी के लिए अकादमी पुरस्कार जीतने के बाद गवर्नर्स बॉल पर फोस्टर एक बलात्कार पीड़िता के रूप में उनके प्रदर्शन ने उन्हें वयस्क भूमिकाओं में सफलता दिलाई कॉलेज के बाद फॉस्टर की पहली फिल्म दनियो नोयर सिएस्टा उन्नीस असफल रही बासठ तिरसठ उनकी अगली परियोजना स्वतंत्र फिल्म फाइव कॉर्नर उन्नीस को बेहतर प्रतिक्रिया मिली एक मध्यम आलोचनात्मक सफलता इसने फोस्टर को एक ऐसी महिला के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड दिलाया जिसका यौन उत्पीड़न करने वाला उसका पीछा करने के लिए लौटता है 6421 इक्कीस पृष्ठ तिहत्तर चौहत्तर पैंसठ अगले वर्ष फोस्टर ने हॉरर एंथोलॉजी श्रृंखला टेल्स फ्रॉम द डार्क साइड के एपिसोड डू नॉट ओपन दिस बॉक्स के साथ एक निर्देशक कर एरूप में अपनी शुरुआत की छियासठ और मार्क हारमन के साथ रोमांटिक ड्रामा स्टीलिंग होम उन्नीस में अभिनय किया फिल्म आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से असफल रही सड़सठ आलोचक रोजर एबर्ट को आश्चर्य हुआ कि क्या कोई फिल्म संभवतः इतनी बुरी हो सकती है अड़सठ दोस्तों आज हम इस मूवी के बारे में बात कर रहे थे वो सारी कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताने की कोशिश की है आप भी दोस्तों पूरा सपोर्ट कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस मूवी की स्टोरी भी मैं आपके लिए जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा जैसे ये रिलीज़ होती है एक्सप्लेसन की फुल वीडियो हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी बाकी बेसिक स्टोरी तो मैंने जो ट्रेलर देख मुझे समझ में आई मैंने आपको बताया और साथ ही साथ कैरेक्टर के बारे में भी हमने सारी कुछ जानकारी जान ली है बाकी फिर भी कुछ चीज़ छूट जाती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो दोस्तों तो आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में